पाठक सुकेश चंद्रशेखर ने आज ईडी की कस्टडी में कहा कि जैकलीन फर्नांडिस 200 करोड़ रुपए के जबरन वसूली मामले का हिस्सा नहीं थी और उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बता दें, सुकेश चंद्रशेखर को आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सुकेश की ईडी हिरासत 2 दिन के लिए बढ़ा दी है। कोर्ट में पेशी के दौरान सुकेश चंद्रशेखर ने जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन के बारे में बयान दिए। बता दें कि सुकेश ने जैन पर धमकी देने और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। इस बारे में उन्होंने चिट्ठी भी लिखी। ठग ने आगे कहा है कि वह इतना सामर्थ्य रखते हैं कि खुद के लिए धन जुटा सकता है और अगले साल वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। अब ये देखने वाली बात होगी कि सुकेश चंद्रशेखर अगले साल चुनाव लड़ते हैं या नहीं, लेकिन इससे रिलेटेड कोई भी अगर खबर आती रहेगी तो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।